Hi guys, welcome to my channel. आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो काफ़ी सिंपल सा ग्लैम न्यूडिश मेकअप है, क्योंकि क्या होता है कि आजकल जो न्यूड मेकअप है वो बहुत ट्रेंड में है, रैदर दैन द वो जो पिंकिश ग्लोइश. इसके अलावा जो न्यूड मेकअप होता है, आजकल सब न्यूड मेकअप करने चाहते हैं, सब न्यूड मेकअप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. तो क्यों ना मैंने सोचा कि एक न्यूड मेकअप आपके साथ मैं करके दिखा दूँ, जिसमें ना तो आपके ज़्यादा टाइम लगने वाले हैं, ना आपके ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगने वाले हैं. बहुत ही सिंपल अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है आप लोगों के लिए. आई होप आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगे. और आप मुझे इसी तरह से देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, शेयर करना, और ऊपर घंटी जो है ना उसको टक से मार दीजिए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. प्राइमर के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ डाबर गुलाब जल का रोज़ वाटर. ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है मेकअप को, और प्राइमर और मॉइस्चराइज़र दोनों का काम करता है मेरे लिए. फिर मेरे पास मेबेलिन फिट मी मैट फिनिश फाउंडेशन है. इसमें मेरा शेड जो है वो 310 है. इसको मैं एज अ मेकअप बेस लगा रही हूँ, डॉटेड फॉर्म में इसको मैं लगा रही हूँ. और ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो मिनीसो से है, तो ब्यूटी ब्लेंडर को आप पहले वेट कर लें, उसके बाद उसका सारा पानी निचोड़ कर उसके बाद ही उसको यूज़ करें. उससे एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा होता है. तो डैबिंग मोशन में इसको यूज़ कर सकते हैं आप, डैब करके, और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सारा बाहर निकल आएगा. इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, अंडर आई एरिया पे, कहीं भी आपकी कुछ भी पिगमेंटेशन दिखनी नहीं चाहिए, अच्छे से हाइड कर लें. और ध्यान दें कि नेक एरिया पे आप अच्छे से इसको ब्लेंड करें, वरना फेस आपका फ्लॉलेस दिखेगा बट नेक एरिया पे आपके बहुत सारे फ्लॉज दिखेंगे, जो कि हमारे मेकअप को स्मूथ नहीं लगाएगा. तो इसको अच्छे से ईयर्स वगैरह हर जगह ब्लेंड कर लें. इसके बाद के लिए मैं कंसीलर जो ले रही हूँ, कंसीलर मेरा मेबेलिन फिट मी कंसीलर है, जिसमें मेरा शेड है वो हनी है. ये सारी कॉस्मेटिक्स मैंने नायका से मंगाए थे. वहाँ पे एक ब्यूटी असिस्टेंट होती है, वो आपकी हेल्प करती है. अगर आपको शेड का कोई इशू होता है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं नायका ऑनलाइन परचेजिंग के लिए. अंडर आई एरिया पे माउथ के अराउंड मेरे थोड़े से पिगमेंटेशन थे, तो उसको मैंने हाइड कर लिया है, और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. मिनीसो से ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने लिया था, काफ़ी अच्छा है. फिर उसके बाद मेरे पास SFR का पैलेट है, जिसमें से मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि मेरा फेस जो है वो थोड़ा सा गोल है, राउंड शेप है, तो इसको मैं कॉन्टोर करूँगी. वहाँ से क्रीम, मेरे पास क्रीम कॉन्टोर है. आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी कॉन्टोर आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है. इसको मैं हाथ की मदद से ही ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि क्रीम है तो उसको अच्छे से फिंगर्स ब्लेंड कर लेती हैं. उसके बाद शार्प एजेस को मैं ब्यूटी ब्लेंडर से हाइड कर दूँगी. अच्छे से अपवर्ड डायरेक्शन में इसको ब्लेंड कर लें प्रॉपर तरीके से. उसके बाद सेम पैलेट से मैं न्यूड शेड का ब्लश ले रही हूँ. उस ब्लश को मैं एप्पल ऑफ द चीक्स पे और थोड़ा सा नोज़ पे भी लगाऊंगी, और उसको सेम फिंगर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि ये क्रीम ब्लश है. आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी आपको ब्लश मिलता है. मैट फिनिश फाउंडेशन की ये बहुत अच्छी खासियत होती है कि आपको पाउडर की ज़रूरत नहीं होती है. तो मैंने ना तो कोई लूज़ पाउडर लगाया है और ना ही कोई टैल्कम लगाया है, बट उससे मेरा मेकअप जो है काफ़ी अच्छे से सेट हो रखा है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है. ये क्विक मेकअप है. लिपस्टिक भी सेम शेड की लगा लें. और उसके बाद मेरे पास इनसाइड कॉस्मेटिक्स की आईलाइनर है. इससे मैं पतली विंक लाइनर जो है, लॉन्ग विंक लाइनर, उसको मैं ड्रॉ कर लूँगी. और आँखों को स्ट्रेच करते हुए करें. और अगर आपको और आईलाइनर्स की ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो उस पर बना दूँगी डिफरेंट आईलाइनर्स पे. ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो उसको मैं सेट कर लूँगी. अभी चाहे तो आप टेप वगैरह भी लगा सकते हैं कॉर्नर्स में फ्लॉलेस लुक के लिए. ये देखिए अभी परफेक्ट है दोनों. तो इसी के साथ मेरा जो मेकअप है हाइलाइटर के साथ मैं कंप्लीट कर लूँगी. थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊँगी क्योंकि ये ग्लैम लुक है. तो इट्स डन. मेरा अच्छा लगा हो, और इसी तरह के और नए नए लुक्स के लिए और नई नई मेकअप ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, और अगर आपको कुछ बुरा भी लगा हो, सॉरी माई डॉग, तो अगर आपको कुछ बुरा भी लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कमी आपकी पूरी कर दूँ. तो थैंक यू, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग.